सी सी गुरुकुल के इस लाइव लेक्चर कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और सबको मेरा नमस्कार। मित्रों, हम लोग पाणिनि की अष्टाध्यायी के आधार पे जो प्रत्यय हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम तीन लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि प्रत्ययों पर चर्चा करना क्यों अनिवार्य है। देखिए, भाषा, जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा जो है विचारों के आदान प्रदान का आधार है, और संस्कृत भाषा की यदि बात की जाए तो संस्कृत भाषा को प्राचीन काल से ही नहीं, आज भी समस्त भाषाओं का मुख्य स्रोत या उसकी जननी ना कहें तो उसकी बड़ी बहन के रूप में हम स्वीकार करते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि संस्कृत भाषा का जो शब्द भंडार है वो बड़ा ही विशाल है। और दूसरा इसकी विशेषता है, जैसा कि हम पाणिनि अष्टाध्यायी पर दृष्टिपात करते हैं तो पाणिनि अष्टाध्यायी ने में जो पाणिनि ने सूत्र दिए हैं उनका सबसे पहला जो प्रयोजन यही है कि जो मेरे सूत्र हैं वो एकदम से संक्षिप्त होने चाहिए। तो संस्कृत भाषा का ये एक लिखने का बोलने का एक विधि बन गई कि कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को कह देना। तो यहाँ पर यदि हम दूसरी भाषाओं के साथ यदि तुलना करें, हिंदी के साथ या अंग्रेज़ी के साथ तुलना करें, तो हम यदि अपनी बात को कहते हैं कि मैं खाना खाती हूँ तो हम इस तरह से बोलते हैं। यदि मैं ये कहती हूँ कि मुझे कोई व्यक्ति, मैं किसी और व्यक्ति को कहती कि मुझे वो खाना खाने के लिए प्रेरित करता है, तो ये वाक्य हमें हिंदी में तो इसी प्रकार से बोलना पड़ेगा कि वह मुझे खाना खाने के लिए कहता है या मुझे खाना खिलाता है। और जब हम इसी बात को अंग्रेज़ी में कहते हैं तो भी हमें इसमें जो है और शब्द लगाने पड़ेंगे कि ही मोटिवेट्स मी टू ईट। तो मतलब यहाँ की क्रिया के साथ हमें और शब्दों को लगाकर अपने इस अर्थ को अभिव्यक्त करना पड़ता है। ऐसे अनेक अर्थ हैं जैसे खाना खाने की इच्छा होना, बार बार खाना खाना इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पर ये जो संस्कृत भाषा है इसकी विशेषता सबसे बड़ी यही है कि इसमें अन्य शब्दों को जोड़ना नहीं पड़ता। इसमें मान लीजिए एक ही धातु है और इसमें एक छोटा सा भाग यदि हम जोड़ देते हैं तो वो भाग ही हमें इच्छा अर्थ के लिए भी, बार बार करने के लिए भी और प्रेरणा के लिए भी, हमें अलग से उसमें शब्दों को जोड़ना नहीं पड़ता। तो ये विशेषता है इन अंशों की जो कि धातुओं के साथ या शब्दों के साथ, जिनको हम संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से प्रातिपदिक कहते हैं, उनके साथ जब जोड़ देते हैं तो जो हमें धातु से जो अर्थ प्राप्त हो रहा है उससे अतिरिक्त अर्थ की भी प्राप्ति हो जाती है। तो इसीलिए संस्कृत भाषा एक ऐसा सागर है जिसमें से कि शब्द भंडार जो है जितना मर्जी जितना चाहें वो हम शब्दों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं इन्हीं प्रत्ययों के माध्यम से। तो इसी को देखते हुए पाणिनि अष्टाध्यायी के आधार पर प्रत्ययों पर चर्चा करना बहुत अनिवार्य लगा मुझे। ये विषय बहुत ही अनिवार्य और रोचक लगा। और यदि हम संस्कृत साहित्य को जानना चाहते हैं, उसको अच्छे प्रकार से पढ़ना चाहते हैं तो इन प्रत्ययों का ज्ञान होना अत्यंत अनिवार्य है। तो इसी संदर्भ में प्रत्यय क्या है और सन प्रत्यय को लेकर, इच्छा अर्थ वाले प्रत्यय को लेकर हम एक पहले व्याख्यान दे चुके हैं। इसी प्रकार से हमने यंग प्रत्यय जो कि बार बार कोई कार्य किया जाता है तो उसको लेकर हमने विस्तृत चर्चा की। और अब मैं आपके सामने एक और प्रकरण उपस्थित करने जा रही हूँ और वो प्रकरण है यंग लुक प्रकरण। तो जैसा कि यंग लुक प्रकरण, यंग लुक से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो अर्थ यंग प्रत्यय देता है, यंग प्रत्यय के विषय में हमने पिछले व्याख्यान में आपको बताया था कि धातो हलादे क्रिया समभिहारे यंग सूत्र द्वारा हमने वहाँ पे यंग प्रत्यय के विषय में विस्तार से पढ़ा था। और मैंने बताया था कि यंग प्रत्यय वहाँ लगता है जहाँ पर कि क्रिया की बार बार आवृत्ति हो। मतलब एक जैसे हम कहते हैं कि वह खाता है, और यदि मैं ये कहती हूँ कि हाँ बार बार खाता है या बहुत अधिक मात्रा में खाता है तो धातु से यंग प्रत्यय लगाकर और फिर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ मित्रों, अब जो मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो बार बार खाना या बार बार क्रिया करने के अर्थ को यंग प्रत्यय यदि वहाँ विद्यमान हो तो ही देगा,
ऐसा भी होता है कि यंग प्रत्यय का लुक यंग प्रत्यय नहीं रहता, फिर भी वो अर्थ हमें प्राप्त होता है। तो उस अर्थ को प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार से परिवर्तन करने पड़ते हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं, आज के व्याख्यान में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यंग लुक, जैसा कि अर्थ है यंग का लुक, यंग प्रत्यय का लुक। अब यहाँ लुक का अर्थ होता है जैसे प्रत्यय से लुक श्लू लुपह, और जैसे हमने पहले लोप पढ़ा था जैसे अदर्शनम लोपह, यहाँ लुक भी अदर्शन को ही कहते हैं। लेकिन यदि हम लुक के द्वारा अदर्शन करते हैं और लोप के द्वारा अदर्शन करते हैं, तो इन दोनों के जो अदर्शन, अदर्शन मीन्स उसका दिखाई ना देना, इसमें अंतर है जो कि हम आगे जब चर्चा करेंगे तो आपको उसके विषय में बताएंगे। तो सबसे पहला जो सूत्र है हमारे पास यंगो अची च, और इस सूत्र की वृत्ति भट्टोजी दीक्षित ने दी, और भट्टोजी दीक्षित ने बताया कि यंगो अच प्रत्यय लुक स्यात। इसका देखिए अर्थ है कि यंग का लुक होता है। प्रमुख बात यह है कि जो यंग प्रत्यय हमने धातुरे काचो हलादे क्रिया समभ्यारे यंग सूत्र द्वारा जो हमने पुनरावृत्ति और अतिशय अर्थ में यंग प्रत्यय किया था, उस प्रत्यय का लुक हो जाता है। तो यंग और कब होता है, देखिए हमेशा नहीं होता, मतलब सदा ही हम कहें कि यंग प्रत्यय लगा दिया और यंग प्रत्यय का लोप कर दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा यंगो अच प्रत्यय, यहाँ पे अची का जो अर्थ है सूत्र में अची लिया गया, तो यहाँ पर एक प्रश्न ये उठ सकता है कि अची अच से सप्तमी भक्ति है और हम जानते हैं कि अच एक प्रत्याहार भी है, तो क्या यहाँ पर अच प्रत्याहार का वर्ण परे होने पर यंग का लोप होता है, या कि फिर इसका कुछ अलग अर्थ है। तो इसीलिए वृत्तिकार ने इसमें दिया कि यहाँ अच का अर्थ है अच प्रत्यय, तो इसलिए यदि अच प्रत्यय परे हो जाए यंग प्रत्यय के बाद, तो उस यंग प्रत्यय का लोप हो जाता है, लुक हो जाता है। यहाँ पर देखिए इतना तो इस यंगो अच्ची से हमने समझ लिया। अब उसके बाद पाणिनि ने एक शब्द का प्रयोग किया च, तो हम जानते हैं कि निष्प्रयोजन पाणिनि कुछ भी प्रयुक्त नहीं करते हैं, तो यहाँ पर उस च का क्या प्रयोजन है, उस च का प्रयोजन स्पष्ट करते हुए वृत्तिकार ने कहा चकारात तम विनापि बहुलम लुक स्यात। तो यहाँ पे उनका कहना है कि जो च का प्रयोग किया है उसका अर्थ ये है कि यदि हम अच प्रत्यय नहीं भी करते तब भी कई अनेक बार यंग का लोप हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये अर्थ कहाँ से आया, तो इससे पूर्व पाणिनि का सूत्र है बहुलम छंदसी, और पाणिनि की रचना शैली से यदि हम परिचित हैं तो हम ये जानते हैं कि पाणिनि यदि पूर्व सूत्र में कुछ पदों का प्रयोग करते हैं तो वह अग्रिम सूत्रों में जब तक वो दूसरा उसका परिवर्तन ना हो तब तक वो पद चलते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भट्ट दीक्षितकार ने यहाँ पे कहा कि जो बहुलम छंदसी है उसमें बहुलम की आवृत्ति है, यहाँ पे च का अर्थ यहाँ पे क्या है कि बहुलता से लुक हो जाता है, और कब होता है यदि हम प्रत्यय नहीं भी करते, अच प्रत्यय नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से अर्थ ये हुआ कि यंग प्रत्यय का अच प्रत्यय परे हो तो भी लुक हो जाता है, और कभी कभी अच प्रत्यय ना रहने पर भी लुक हो जाता है, और कभी कभी अच प्रत्यय रहने पर भी नहीं होता, क्योंकि बहुल जो है एक केवल मात्र विकल्प नहीं होता, बहुल से कभी होता है कार्य कभी नहीं होता, कभी दोनों होना ना होना हो तब भी हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुल की परिभाषा के अनुसार यहाँ पर अच प्रत्यय हो कई बार तब भी नहीं होता, कई बार अच प्रत्यय ना हो तब भी यंग का लुक हो जाता है। तो यहाँ पर काशिकाकार ने भी यही अर्थ दिया कि चकारेण बहुल ग्रहणम अनुकृष्यते न तो छंदसी इति, मतलब दो शब्द हैं वहाँ पे बहुलम छंदसी, तो उनका ये कहना है कि यहाँ छंदसी की आवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि यदि हम छंदसी कहेंगे तो लोक में भी हमें यंग लुक प्राप्त होता है अच प्रेरणा होने पर, और वेद में भी प्राप्त होता है, तो इसलिए यहाँ बहुल का अर्थ यहाँ पे केवल मात्र छंदसी की अनुवृत्ति नहीं मानी जाएगी। तो नागेश भट्ट ने भी इसी बात को अपनी व्याख्या में स्वीकार किया।
अब देखिए, मैंने आपको इस सूत्र के माध्यम से ही बताया कि जब अच् प्रत्यय होता है तो भी यंग का लुक हो जाता है, और नहीं होता तो भी। तो अब हमें ऐसे उदाहरण देखिए, पाणिनि ने हमारे सामने सूत्रों को प्रस्तुत किया, और अब उन सूत्रों की जो प्रवृत्ति है वो कहाँ होती है? जब तक हमारे पास उदाहरण नहीं होंगे तब तक हम उन सूत्रों का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, और उनसे कैसे निष्पन्न होते हैं प्रक्रियाएं, ये नहीं जान पाएंगे। तो ये बड़ा काम पाणिनि की अष्टाध्यायी के व्याख्याकारों ने, सिद्धांत कौमुदीकार भट्टोजी दीक्षित ने, उसके बाद काशिकाकार ने ये कार्य किया है कि उन्होंने उन सूत्रों को उदाहरणों में घटित करके दिखाया है। तो ये वाला अब हमारे सामने एक उदाहरण है जिसमें कि अच् प्रत्यय होता है, और अच् प्रत्यय परे होने पर यंग का लुक हो जाता है। तो उसके दो उदाहरण हैं, ये काशिकाकार ने ये उदाहरण दिए हैं, और एक है लोलुवा और दूसरा है पोपुवाह। तो ये जो लोलुवा जो उदाहरण है, ये लुए धातु से यंग प्रत्यय लगकर बनता है, और दूसरा जो पोपुवा है वो पुए धातु से यंग प्रत्यय लगकर बनता है। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले हमें यंग प्रत्यय करना पड़ता है। तो लुए धातु से यंग प्रत्यय करने पर और पुए से भी यंग प्रत्यय करने पर उसमें सूत्र जो लगता है वो है धातोरे काचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग। तो यहाँ पर बार बार अगर क्रिया की जाए तो यहाँ पर यंग प्रत्यय का विधान होता है। अब यंग प्रत्यय करने के बाद अब हमें एक सूत्र है हमारे पास जो कि कृदंत प्रकरण में आता है, और उस में जो प्रत्यय है उसका प्रयोग करके जो वो धातु है वो प्रातिपदिक बन जाती है और वो क्रिया अर्थ को देती है। तो वो सूत्र क्या है? वो धातु बन जाती है और वो प्रातिपदिक बन जाती है, और तब उसके शब्द रूप चलते हैं। तो वो सूत्र है नंदी ग्रही पचादी नाम ल्यूर्णिन्यचः। तो अच् प्रत्यय करने वाला ये सूत्र है, और ये पचादी गण में जो धातुएं पढ़ी जाती हैं उनसे अच् प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे लुए धातु से यंग प्रत्यय करने के बाद अच् प्रत्यय होता है। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक प्रश्न उठता है कि अब हमें यंग प्रत्यय का लोप करना है, लुक करना है, और दूसरा हमारे पास ये कार्य है कि हमें धातु का यंग प्रत्यय परे होने के कारण द्वित्व करना है। तो हमारे पास ये प्रश्न होता है कि हम यंग लोक लुक पहले करेंगे या कि हम धातु का द्वित्व पहले करेंगे। जब सन यंगो सूत्र यंग प्रकरण में हम कर चुके हैं जिसमें कि जब यंग प्रत्यय किया जाता है तो धातु को द्वित्व होता है। जिस प्रकार द्वित्व का मतलब कि उस धातु को हम दो बार लिखते हैं, दो बार कहते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर देते हुए टीकाकारों ने कहा अनैमित्तिकोऽयम् अंतरंगत्वात् आदौ भवति। अर्थात यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ी परिभाषा का प्रयोग होगा। यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये जो यंग है, यंग लुक, ये अनैमित्तिक है। वास्तव में ये देखा जाए तो ये जो यंग प्रत्यय किया है या यंग लुक किया है ये अनैमित्तिक माना जाता है, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि अच् प्रत्यय ना होने पर भी यंग का लुक हो जाता है। तो इसलिए ये जो यंग लुक है यह अनैमित्तिक है, और जो द्वित्व आदि कार्य हैं वो अनैमित्तिक नहीं है, किसी न किसी निमित्त को मानकर किए जाते हैं। जैसे कि हम द्वित्व करते हैं, द्वित्व करने के लिए हमें द्वित्व आदि जो किए जाते हैं उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो जब द्वित्व करना है तो वो एक काच या अनेक काच पर आधारित होता है, इसलिए नैमित्तिक है। तो यहाँ पर एक परिभाषा है, एक नियम है कि ये जो अंतरंग होता है, जो अनैमित्तिक कार्य होता है वो अंतरंग होता है, और जो नैमित्तिक होते हैं वो बहिरंग होते हैं। और परिभाषा है असिद्धम बहिरंगम अभ्यंतरे। तो यहाँ पे क्या है कि यदि अभ्यंतर कार्य या अंतरंग कार्य करना हो तो उसकी दृष्टि में बहिरंग कार्य असिद्ध होता है। तो इसका तात्पर्य है कि अनैमित्तिक होने के कारण यंग लुक हम पहले करेंगे। तो हमारे पास यंग लुक करके जो स्थिति बनती है वो ये है लो
लुए धातु का लु शेष रहता है, अच प्रत्यय का अशेष रहता है। तो यहां पर हमने अब यंग का लुक पहले कर लिया। तो उसके बाद अब यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि यंग को यहाँ पे द्वित्व, यंगंत को द्वित्व होना है, तो यहाँ पे कहा कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण का निषेध हो जाएगा। क्यों निषेध हो जाएगा? क्योंकि न लुमता अंगस्य, ये एक सूत्र है जिसमें कि ये कहा गया कि लू का प्रयोग करके जब हम अदर्शन करते हैं, मैंने अभी अदर्शन की बात की, अदर्शन मीन्स दिखाई नहीं देता, तो यहाँ पे हमने यंग का जो लुक किया है, तो लू का प्रयोग करके हमने यंग का लुक किया है, यंग का अदर्शन किया है, तो यहाँ ये प्रश्न उठता है कि यहाँ पर प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षण जो है उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, अंग को कार्य नहीं होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि ये अंग को कार्य का निषेध करता है, परंतु हमें संपूर्ण यंगंत को द्वित्व करना है, इसलिए ये जो प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षणम है इसका निषेध नहीं होगा, और निषेध नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, लू को द्वित्व कर लेंगे। तो लू को द्वित्व करने का सूत्र है संयंगोह, तो संयंगोह से हम द्वित्व करेंगे, तो हमारे पास लुए लुए और अ ये स्थिति होगी, और लू लू अ स्थिति में हम द्वित्व करने के बाद अभ्यास को गुण करेंगे, और अभ्यास लू को गुण ओ हो जाएगा, और उसके बाद जब हम गुण करेंगे तो हमारे पास एक सूत्र है अचिष्णु धातु भ्रुवाम इत्यादि सूत्र है, जिससे कि हम लू धातु को उवंग आदेश करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके यदि कोई कार्य किया जाता है तो वो अंतिम के स्थान पर होता है, तो यहाँ पर यद्यपि हमने ये भी पढ़ा है अनेकाशित सर्वस्य, अर्थात वो आदेश जो अनेकाल होता है वो संपूर्ण को हटाकर आदेश किया जाता है, तो इस दृष्टि से देखा जाए तो उवंग आदेश अनेकाच है, इसमें उ और अ व का अ दो अच हैं, तो ये समस्त लू के स्थान पर होना चाहिए था, परंतु नित्य सूत्र भी हमने पढ़ा है जिसके अनुसार यदि अनेकाल जो है आदेश है लेकिन वो नित्य है तो वो पूरे के पूरे के स्थान पर ना होकर अंतिम के स्थान पर ही होगा, तो यहाँ पर हमने केवल मात्र जो लू का उ है उसके स्थान पर उवंग किया, और उवंग का उव शेष रहता है, ऐसे ही पोपुवंग में भी पो पु और उवंग वहाँ पर भी हमने किया, और साथ में अंत में जो अच प्रत्यय का अ तो हमारे पास रहेगा ही, तो यहाँ पे लो लुह अ पो पु अ जब हम इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास लो लुह और पो पु ये दो प्रातिपदिक बन जाते हैं, और यंग लुक और अच प्रत्ययांत और उसके बाद प्रथमा एक वचन में सुआदि की उत्पत्ति होने के बाद हमारे पास ये रूप बनता है। तो मित्रों ये रूप वो है जहाँ पर हम अच प्रत्यय परे होने पर यंग लुक करते हैं, परंतु सूत्र का अर्थ ये भी है कि अच प्रत्यय नहीं होने पर भी यंग लुक हो जाता है, तो उसका उदाहरण देते हुए भू धातु को लिया है, और यहाँ पर जो उदाहरण है यद्यपि जब हम इसको यंग प्रत्यय करते हैं यंग लुक करते हैं तो यंग लुक करने पर भी वो धातु बन जाती है जिसको कि मैं आगे बताऊंगी। तो धातु तो सभी कालों में सभी लकारों में चलती है, परंतु हम केवल आपके सामने लट लकार प्रथम पुरुष का रूप ही प्रस्तुत करेंगे, और बाकी रूप जो हैं जो हमारे गणों में जो प्रकरण है उनके अनुसार जो भी जिस प्रकरण की धातु है उस अनुसार रूप चलेंगे। तो मैं सबसे पहले आपके सामने भू धातु यंग लुक लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप प्रस्तुत करना चाहती हूँ जहाँ पर कि अच का लोप होता है, अच नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए अच प्रत्यय ना होने पर यंग लुक का जो रूप है वो दो रूप बनते हैं, एक बनता है बो भवीति और दूसरा जो रूप बनता है वो है बो भोती। तो मैं सबसे पहले आपके सामने पहले वाला रूप किस प्रकार से बनता है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। भू धातु है इसमें, और भू धातु से यंग प्रत्यय
जो पूर्व रूप बताया यंग प्रत्यय करने वाला जो सूत्र है धातोरे का जो हला दे, इससे हमने यंग किया। और भू धातु से यंगु अचि च सूत्र द्वारा हमने यंगलुक किया। अब अच नहीं है तब भी यंगलुक कर दिया। मित्रों ये ध्यान रखिएगा कि यंग प्रत्यय करने पर भू धातु का जो अर्थ बना था वो अब यंगलुक होने के बाद भी वही अर्थ रहेगा। और जब यंगलुक कर देते हैं तो जब यंग प्रत्यय परे होने पर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से प्रत्यय लक्षण रहता है, मैंने आपको पीछे भी स्पष्ट किया लोलुवा की सिद्धि में, तो यहाँ पर फिर जो द्वित्व हो जाएगा धातु को। और जब द्वित्व होता है और द्वित्व करने वाला सूत्र है सन यंगो हो, तो यंग प्रत्यय होने पर धातु को द्वित्व होकर हमारे पास भू भू बनता है। उसके बाद फिर अभ्यास कार्य होता है और उसमें अभ्यास में हम क्या करते हैं कि धातु को ह्रस्व कर देते हैं, उसके बाद हम इसको भ को भ कर देते हैं, तो करने के बाद हमारे पास क्या बचता है भू भू, और फिर ह्रस्व हुआ तो भू भू। तो ये अभ्यास कार्य हम लिट लकार में भी करते आए हैं करते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा। परंतु यहाँ पर जो एक कार्य होगा यंग के कारण वो है सन यंगों से अभ्यास को गुण करना। तो यहाँ पर अभ्यास को गुण जो है भू जो कि उकार था उसको हम ओकार कर देंगे तो अभ्यास को गुण होने के बाद गुण हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक प्रश्न उठता है कि ये जो बो भू ये जो यंगंत यंग लुक का जो हमारे पास ये इस समय रूप है इसको हम धातु कैसे माने। तो यहाँ पर धातु मानने के लिए था सनाद्यंता धातवः, ये हम यंग प्रत्यय के प्रकरण में हमने पढ़ा था कि सनादि में यंग भी आता है, तो सनाद्यंता धातवः से हम यहाँ पर यद्यपि यंग का लोप लुक हो गया है परंतु एक देश विकृतम अनन्यवत एक परिभाषा है जिसके फलस्वरूप यदि एक देश या एक भाग विकृत हो जाता है तब भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, यंगलुक होने पर भी इसकी धातु संज्ञा मानी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए यंगलुक होकर धातु संज्ञा होने के बाद यहाँ पे अब एक और प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है कि यदि हम यंगलुक कर देते हैं तो और धातु संज्ञा हम इसको कर देते हैं तो यहाँ पर धातु संज्ञा हम क्यों करेंगे। एक देश विकृत है धातु है तो धातु संज्ञा मान लीजिए हमने कर भी लिया सनाद्यंता धातुवा से। अब हमारे पास एक प्रश्न ये उठता है कि इस धातु का जो हम अगर हम प्रयोग करते हैं तो लकार में प्रयोग करते हैं और हम सबसे पहले लकार में प्रयोग करते हैं तो हम लट लकार, मैंने आपके सामने कहा कि हम लट लकार में इसका प्रयोग करेंगे। अब लट लकार में जब हम प्रयोग करते हैं तो हमने लकारों के प्रसंग में ये पढ़ा है कि धातुएं जो हैं वो दो प्रकार से हम प्रयुक्त लकार के स्थान पर जब तिप आदि करते हैं तो वो दो होते हैं, एक तो होता है परस्मैपदी धातुओं में और एक आत्मनेपदी धातुओं में। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि यंग लुक हुआ है यहाँ पे तो धातु परस्मैपद रहेगी या आत्मनेपद रहेगी, क्योंकि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से यहाँ पर प्रत्यय लक्षण रहेगा और यंग लुक यंग प्रत्यय नित है और अनुदात गीता आत्मनेपदम सूत्र है जिसके अनुसार जो गीत है उसका प्रयोग आत्मनेपद में होता है। तो यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न ये है कि यहाँ पे जो बो भू ये हमारे पास सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा हुई है तो क्या इसका प्रयोग हम आत्मनेपद में करेंगे या कि परस्मैपद में करेंगे। तो यहाँ पर इसका उत्तर काशिकाकार ने भी और अन्य आचार्यों में ने भी दिया है और काशिकाकार का कहना है कि ये जो हमारा यंग लुक है प्रकरण इसको एक गण सूत्र है इसमें चरकरितम च, और वो जो गण सूत्र है वो अदादि गण में और परस्मैपद की धातुओं में आया है। और चरकरितम के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि चरकरित आत्मनेपद यंग लुक को ही चरकरित कहते हैं, प्राचीन आचार्य यंग लुक को
चर करीत कहते थे। तो यहाँ चर करीतम च जो ये गण सूत्र है इसके अनुसार जो यंगलुक धातुएं हैं उनका प्रयोग उनको इन्होंने उसमें अदादि गण की धातुओं में लिया है। जब गण पाठ होता है धातु पाठ होता है तो धातु पाठ में अदादि गण की धातुओं में चरकरित को भी लिया है अर्थात यंगलुक धातुओं को भी लिया है और इस और परस्मै पदी धातुओं में लिया है। तो इसलिए इसी परिभाषा के इसी गण के गण सूत्र के आधार पर इसका प्रयोग हम करेंगे परस्मै पद में, आत्मने पद में प्रयोग नहीं होगा। तो परस्मै पद में तिप्तजी लगता है तिप्तजी सिप्तजी और लट लकार प्रथम पुरुष में एक वचन में तिप का प्रयोग होता है। तो हम भू धातु से जब तिप करते हैं भू धातु वो भू से ती करते हैं तो उसके बाद हम ती करने के बाद हमारे पास एक सूत्र आता है वो आता है ईट प्रत्यय करने वाला। जब यंग प्रत्यय होता है तो हम उसको ईट प्रत्यय करते हैं। ईट प्रत्यय करने पर भू को गुण होकर और भो हो जाता है और उसके बाद उसमें ओ और ई के स्थान पर हम अव करते हैं तो हमारा जो रूप है वो बो भवीति बनता है जो मैंने अभी आपके सामने बो भवीति जो कि ईट आगम के करने ईट प्रत्यय करने पर ईट लगाने पर जो होता है उससे ये बो भवीति रूप बनता है। लेकिन ईट विकल्प से होता है इसलिए जब हम ईट नहीं करते हैं तो हमारे पास जो रूप बनता है वो होता है बो भोति। तो यहाँ पर बो भू बू भू और उसके बाद गुण करके अभ्यास को बो भू तो हमारे पास पहले ही विद्यमान था तो यहाँ पर फिर हमने ती करने पर हमने भू के ओ को गुण कर दिया सार्वधातुकार धातु कयो से हमने इसको गुण किया तो गुण करने पर हमारे पास जो रूप होता है वो हमारा दूसरा रूप वो भूति रूप भी बनता है। तो इस प्रकार से आपके समक्ष मैंने भू धातु को लेकर और भू धातु में किस प्रकार से यंग लुक करने पर अच ना होने पर भी और ईट विकल्प होने पर किस प्रकार से दो रूप बनते हैं वो मैंने आपके सामने स्पष्ट किए। इसी प्रकार से अब कुछ ऐसी अन्य धातुओं को जानना बहुत आवश्यक है जिनमें कि भू धातु से हटकर कुछ और विशेष कार्य होते हैं क्योंकि यंग प्रत्यय का प्रयोग होने पर कुछ विशेष कार्य भी होते हैं। दूसरी बात यह है कि यंग प्रकरण में हमने पढ़ा था कि यंग प्रत्यय केवल धातु रेकाचो हलादे सूत्र द्वारा क्रिया समविहार अर्थ में ही नहीं होता है। हमने और भी कई अर्थ पढ़े थे उनमें जैसे नित्यम कौटिल्य गतौ और हमने पढ़ा था कि जो गति अर्थ वाली धातुएं हैं उनसे कौटिल्य अर्थ में होता है। तो मतलब यंग प्रत्यय और उसके बाद हमने लुप सद सच जप इत्यादि जो धातुएं हैं उनके विषय में हमने पढ़ा था कि भावगरहा अर्थ में अर्थात जब धातु के अर्थ के निंदा करते हैं घृणा करते हैं उस अर्थ में भी यंग प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर भी जब भी हमें धातु से यंग लुक करना है तो यंग लुक करने से पहले क्योंकि हमें यंग प्रत्यय करना है तो इसलिए वो यंग प्रत्यय किस सूत्र से होगा ये भी हमें बहुत ही ध्यान रखना है। जैसा कि अब मैं आपके सामने चर धातु का यंग लुक में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप यदि आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ तो इससे जो बनता है वो बनता है चंचुरीति और चंचूरती। ये दो बनते हैं चर धातु से और चर धातु जैसा कि आप जानते हैं चर में चलना तो ये गति ये चर धातु आचरण करना। तो यहाँ पर यद्यपि चर धातु मैं ये कह सकती हूँ चलना अर्थ है परंतु यहाँ पर जो मैं अभी आपके सामने अगला सूत्र पढ़ूंगी उसमें चर धातु का प्रयोग किया गया है विशेष रूप से और उन्होंने कहा है कि चर धातु में भावग्रह अर्थ में यंग प्रत्यय होता है। तो इसलिए सबसे पहले चर धातु से यंग प्रत्यय किया जाएगा। सूत्र आपके सामने उपस्थित है लुप सद चर इत्यादि इसमें चर है और भावग्रह में ना कि क्रिया समविहार में यंग प्रत्यय। जब हम यंग प्रत्यय करते हैं तो यंग प्रत्यय करने के बाद
फिर हम उसका लुक भी करते हैं, और यंग का लुक करने के बाद हमारे पास चर बचता है केवल, और यंगुवाची चर से हमने उसका लुक किया। उसके बाद जिस प्रकार से हमने भू धातु से अभ्यास कार्य किया था, पहले चर को द्वित्व किया, और वही चर्चा यहाँ भी आएगी कि द्वित्व पहले करना है या यंग लुक पहले करना है। तो दोनों ही चर्चाओं के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि पहले हम यंग लुक करेंगे और उसके बाद प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम से हम उसको द्वित्व और अभ्यास कार्य करेंगे संयंगो सूत्र द्वारा। उसके बाद देखिए हमारे पास एक सूत्र है जिसमें ये जो उस वो भविति के सिद्धि में नहीं प्रयुक्त हुआ, और वो क्या है, वो है नुक आगम। तो यहाँ पर चर फलोश्च एक सूत्र है जो कि यंग प्रकरण में आया है, जिस सूत्र के अनुसार अभ्यास को चर के अभ्यास को नुक आगम होता है। और मित्रों नुक आगम जैसा कि इसके अंत में क है, तो ये आगम कित होने के कारण आद्यंतौ टकितौ सूत्र के अनुसार यहाँ पे अभ्यास के च के अ के अंत में जुड़ेगा और नुक का केवल न शेष रह जाता है। तो हमारे पास जो रूप होता है वो है च न और चर। अब यहाँ पे हमने संधि प्रकरण में सूत्र पढ़ा था नश्च अपदान्तस्य जलि। तो ये सूत्र ये कहता है कि यदि अपदान्त अर्थात पद के अंत में नहीं होना चाहिए, यदि न या म होते हैं तो उनको अनुस्वार हो जाता है। तो यहाँ पे जो नुक का न है ये अपदान्त है, पद के अंत में नहीं है, इसलिए इसको अनुस्वार हो जाएगा। पुनः हमने एक और सूत्र पढ़ा था कि अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, तो वो हमने उसको परसवर्ण किया। तो यहाँ पे क्योंकि चवर्ग च है बाद में, तो उस अनुस्वार को हम चवर्ग का ही यह कर देंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास एक और सूत्र है जो कि यंग प्रकरण में हमने पढ़ा था कि उत्परस्य अतः। तो यहाँ पे जो चुर का उ है उसको, चर का जो अ है च च का अ उसको हम अ कर देते हैं, अर्थात अभ्यास के बाद जो अ आता है उसको हम उत कर देते हैं अर्थात उ कर देते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास जो स्थिति आई है वो है चंचुर। हमने अनुस्वार को परसवर्ण किया, उसके बाद अकार को उकार किया, तो ये हमारे पास चंचुर। अब ये हमारे पास वैसे ही हमने सिद्ध किया कि ये धातु है और परस्मै पद में इसका प्रयोग होगा, तो लट लकार का जब हम प्रयोग करते हैं तो फिर परस्मै पद में तिप और उसके बाद चंचुर और ईट आगम होगा, और फिर उसके बाद हमारे पास चंचुरीति ये हमारा रूप बन जाएगा। तो ये जो रूप है वो हमारा हमने ईट आगम के साथ किया है। अब क्योंकि ईट आगम विकल्प से होता है, इसलिए जब ईट नहीं करते हैं तो हमारे पास जो रूप बनता है वो है चंचुरती। तो अब देखिए चंचुर तो पहले की भांति द्वित्व इत्यादि करके यंग लुक करके हमारे पास स्थिति बनी हुई है। तो उसके बाद जब हम तिप्त करते हैं तो हमारे पास एक सूत्र है हलीच, और हलीच से जो चू का ऊ है उसके परे हल प्रत्याहार है र, तो इसलिए उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम दीर्घ कर देंगे। तो जो चंचुरीति हमारा बना था जब हमने ईट किया था तो उसमें हमारे पास हल नहीं था, इसलिए हम र के परे हल नहीं था, ई था, इसलिए हम इसको दीर्घ नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे ऊ के बाद र है और र के बाद फिर हल है त, इसलिए हमने इसको दीर्घ किया और हमारा जो रूप बना चंचुरती। तो इस प्रकार से हमारे पास ये दोनों रूप यंग लुक करने के बाद ईट और ईट अभाव पक्ष में हमारे पास प्राप्त होते हैं। तो जो विशेष कार्य इसमें हमने अभी आपके सामने देखे, उसमें एक तो हमने देखा कि यंग प्रत्यय करने वाला सूत्र ही भिन्न है, भू धातु से भिन्न सूत्र द्वारा यंग किया और यहाँ भिन्न सूत्र द्वारा यंग किया। उसके बाद देखिए फिर जो अभ्यास को जो नुक आगम का कार्य है वो चर और फल धातुओं को ही के अभ्यास को ही किया जाता है,
ये एक विशेष कार्य है जो हमें अवश्य करना है। उसके बाद हमने उत किया और उसके बाद उसको हमारा जो है ईट करके रूप बना। अब यहाँ पे दूसरा जो हमारे पास रूप है वो है जब चंचूर्ति भी मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिया। अब एक और धातु जिसके विषय में जानना अनिवार्य है। देखिए यदि सिद्धांत कौमुदी को देखा जाए तो उसमें बहुत सारी धातुएं हैं जिनके यंग लुंग रूप हमारे सामने हैं, परंतु सभी रूपों को हम नहीं ले सकते, इसलिए कुछ विशेष धातुएं को ही यहाँ पे सिद्ध करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। उसी के आधार पे अन्य धातुओं को भी यंग लुक रूप किस प्रकार से बनते हैं हम सिद्ध कर सकते हैं। तो अब मैं आपके सामने प्रच्छ धातु यंग लुक लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के जो रूप बनते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। उसमें ईट पक्ष में बनता है प्रापच्छीति और ईट अभाव पक्ष में प्रा प्रष्टि। तो यहाँ पे देखिए प्रापच्छीति में तो कोई मतलब नई बात नहीं है, जैसे हमने पीछे बनाए थे वैसे ही बनाएंगे, लेकिन प्राप्रष्टि बनाने में ईट अभाव पक्ष में यंग लुक होने पर प्रच्छ धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कैसे रूप बनता है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसे कि पाप्रच्छ तो हमने बना लिया, देखिए यहाँ पे छ हलंत होना चाहिए, छ हलंत हो नहीं पाया है, परंतु हम इसको छ को यहाँ पे हलंत ही मानेंगे, अन्यथा यहाँ अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, जो हमारा रूप है वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पाप्रच्छ द्वित्व इत्यादि कार्य करने पर होता है, ईट ना करने पर, तो ती लगाने पर। उसके बाद देखिए हमारे पास एक सूत्र है छ के स्थान पर श करने वाला सूत्र, और वो सूत्र आपके सामने मैंने स्क्रीन पर है कि वृश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज यज याज राज भ्राज छ श्याम शह। तो यहाँ पे अंत में छ भी है, तो छ के स्थान पर श यहाँ पे हो जाता है, तो हमारे पास जो स्थिति बनती है वो होती है पाप्रश अर्ति। और पाप्रष्टि तो स्टूनाष्टु एक संधि का सूत्र है, हल संधि का, जिसमें कि जो है स और तवर्ग का श और टवर्ग से योग होता है, तो जो हमारा तवर्ग है वो टवर्ग में बदल जाता है, तो यहाँ पर हमारा जो त है वो ट में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके सामने मैंने प्रच्छ धातु के रूप भी प्रस्तुत किया। अब मैं आपके सामने जो रूप प्रस्तुत कर रही हूँ वो है एक धातु है जो कि बहुत अधिक प्रचलित नहीं है, लेकिन उसके रूप जो है वो किस तरह से परिवर्तित होते हैं, कैसे चलते हैं, इसका ज्ञान होना भी अत्यंत अनिवार्य है। और वो जो धातु है वो है तुर्वी धातु। अब तुर्वी धातु जो कि हिंसा अर्थ में प्रयुक्त होती है, तो उसके जो रूप हैं वो मैं आपके सामने दोनों ही स्थितियों में, जब हम वो ईट करते हैं तो, और जब ईट नहीं करते हैं तो, किस प्रकार से रूप होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पहला रूप है ईट करने पर वो बनता है आपके पास तो तुर्वीति। तो यहाँ पे तुर्वी का बाकी समस्त कार्य वैसे ही होते हैं, लेकिन जो तुर्वी मतलब तुर्व ही शेष रहता है, तो तुर्व का जो तू का उ है वो उपदायाम च एक सूत्र यहाँ पर लगता है, जिस सूत्र के द्वारा हम उसको दीर्घ कर देते हैं और हमारे पास ये जो रूप बनता है वो बनता है तो तुर्वीति। ये ईट पक्ष में है। अब जब हम ईट नहीं करते हैं, ईट का अभाव होता है उस पक्ष में, तो किस प्रकार से रूप बनते हैं, तो तुर्व, तो हमारे पास अभ्यास और उसका कार्य करने के बाद पहले की तरह प्राप्त होता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक सूत्र यहाँ पे लगता है और वो सूत्र है राल लोपा, और उसका अर्थ है कि र के बाद जो व है उसका लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर र के बाद जब व का लोप होने के बाद हमारे पास तो तुर और ती ये वाली स्थिति बनती है। अब यहाँ पर तो तुर जो तू का ऊ है इसको
पुगंत लघु पदस्य सूत्र द्वारा इस ओ को गुण की प्राप्ति हो रही है, परंतु यहाँ पर एक और शंका उत्पन्न होती है, न धातु लोप अर्ध धातु के। तो यहाँ पर ये सूत्र कहता है कि यदि अर्धातुक प्रत्यय परे हो और धातु के एक भाग का लोप हुआ हो तो गुण वृद्धि जो है ये नहीं होते हैं, ये इस सूत्र का अर्थ है। अर्थात अगर अर्धातुक प्रत्यय परे हो, तो यहाँ पर देखिए जो शंका हो रही थी कि पुगंत लघु पदस्य सूत्र द्वारा गुण का प्रतिषेध होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर धातु के भाग यंग का लोप हुआ है, व का लोप हुआ है, तो यहाँ पर ये ध्यान देना चाहिए कि ये जो धातु है ये जो प्रत्यय है ये सार्वधातुक है, तिप प्रत्यय सार्वधातुक है। अब कैसे है सार्वधातु, तिंगशित सार्वधातुकम, ये हमने सूत्र पढ़ा हुआ है, इसलिए ये तिप तिंग के अंतर्गत आता है, इसलिए सार्वधातुक प्रत्यय है। और ये जो निषेध होता है ये अर्धधातुक प्रत्यय परे होने पर ही होता है, इसलिए यहाँ पर गुण का निषेध ना होकर तो तुर के जो तू का उ है उसको हम गुण ओ करेंगे, और ओ करने के बाद फिर इसको हम जब संयोग कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारे पास जो रूप बनता है वो बनता है तो तोरती। तो यहाँ पर देखिए तुर्व धातु के अभी आपके सामने दो रूप बने। अब यहाँ पर देखिए एक और रूप मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी, आपके बताना चाहूँगी, वो ये है कि स्पर्ध धातु, स्पर्ध धातु जिसका अर्थ होता है स्पर्धा करना, इसके यदि हम यंग लुक में रूप चलाते हैं तो हमारे पास बाकी जैसे स्पर्ध बाकी सारे कार्य मैंने जैसे बताए कि अनैमित्तिक इत्यादि होने के बाद, और जब हमने द्वित्व किया तो हमारे पास जो रूप बनता है वो होता है स्पर्ध स्पर्ध और उसके बाद ती। तो ये हमने क्या किया, हमने इसको द्वित्व किया। तो यहाँ पर स्पर्ध स्पर्ध को जब हम द्वित्व करते हैं और उसके बाद हमारे पास हलादि शेषा से प जो है वो शेष रह जाता है, तो हमारे पास वो स्थिति होती है प स्पर्ध, और उसके बाद फिर प के अ को हम दीर्घ कर देते हैं, अभ्यास दीर्घ हो जाता है, तो हम अभ्यास दीर्घ करने के बाद हमारे पास पास स्पर्ध, और उसके बाद ईट आगम करने के बाद तो कोई रूप में कोई परिवर्तन पहले की तरह ही होते हैं नहीं होता, पास स्पर्ध ही बनता है, परंतु जब हम ईट नहीं करते हैं तो उस समय जब हमारे पास जो स्थिति होती है वो होती है पास स्पर्ध और ती, यहाँ पर बीच में ईट नहीं है। तो जब हम पास पर और ती करते हैं तो यहाँ पे हम झश प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण के बाद जब त आता है तो उसको हम ध कर देते हैं, झषस तथो धो अध, ये हमारे पास एक सूत्र है जिस सूत्र से झश प्रत्याहार का वर्ण हो उसके बाद त या थ हो तो उसको हम ध कर देते हैं। तो यहाँ पर भी जो मैंने आपके सामने पास पर्ध रखा यंग लुंगंत रूप, और उसके बाद मैंने बताया कि ती है, तो यहाँ पे जो ध है अंत में ये झश के अंतर्गत आता है और उसके परे त है, तो उसको त को भी ध हो जाएगा, और जब हम त को ध कर देते हैं तो हमारे पास रूप बन जो स्थिति होती है वो होती है पास स्पर्ध और धी। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पे देखिए दो हमारे पास यहाँ पर स्थितियाँ हैं, एक हमारे पास सूत्र है झरो झरी सवर्णे, तो वहाँ पे हम एक ध का लोप कर देते हैं तो हमारे पास पास स्पर्धी रूप बनता है, और क्योंकि विकल्प से होता है इसलिए हम पहले वाले ध को झलाम जश झशी से द कर देते हैं। तो झलाम जश झशी का तात्पर्य है कि झल प्रत्याहार का वर्ण हो और उसके बाद झश प्रत्याहार का वर्ण हो तो झल प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर झश हो जाता है। तो यहाँ पे ध झल में आता है, उसके बाद दूसरा ध है धी वाला वो भी झश में आता है, इसलिए जो झल प्रत्याहार का वर्ण ध है पहले वाला उसको हम द में परिवर्तित कर देंगे, झश में स्थानांतरतमा से जो सदृशतम होगा वो क्या है हमारे पास सदृशतम द है, तो
तो इसलिए जो दो रूप हमारे पास स्पर्ध धातु से बनते हैं, एक प्रास्पर्धिति और ईट ना करने पर भी दो रूप और बनते हैं, और वो एक बनता है पास्पर्धि, जो द के नीचे ध आएगा, और दूसरा बिना द के पास्पर्धि झरोझरी सवर्ण से लोप करके। यहाँ पर मैं एक और बात इस संदर्भ में एक और बात बताना चाहूँगी कि इसके स्पर्ध धातु के जब हम मध्यम पुरुष लोट लकार के रूप यदि हम चाहें यंग लुक चलाना, तो वो मध्यम पुरुष लोट लकार एक वचन में भी यही रूप बनेगा। तो ये एक जिज्ञासा होती है कि पास्पर्धि लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में भी बनता है और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में भी बनता है। तो देखिए मैं आपके सामने वो आपको बताना चाहूँगी कि वो किस तरह से बनता है। तो पास्पर्ध तो पूर्ववत हमने किया, और लोट लकार में मध्यम पुरुष में हम ती नहीं लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं। तो सिप, तो सी जब लगा तो हमारे पास एक सूत्र है सेर ही रपिच, इसका अर्थ है कि सी के स्थान पर ही हो जाता है। तो यहाँ पर जब हमने ही कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास हमारे पास स्थिति बन गई पास्पर्ध और ही, और उसके बाद ह के स्थान पर हमें ध की प्राप्ति होती है, और जब हम ह के स्थान पर ध करते हैं तो वहाँ पर भी हमारे पास फिर वही पास्पर्ध और धी, यही स्थिति होती है, और यही स्थिति हो जाने पर पुनः झलाम जो झसी से जब हम झलों को जश कर देते हैं और तो हमारे पास यही रूप बनता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक हमें व्याकरण का पाणिनि के सूत्रों के आधार पर क्या परिवर्तन होते हैं, यंग लुक करने पर क्या रूप बनता है, तब तक हम भाषा में, हम प्रयोग में साहित्य को उस प्रकार से ना जान पाएंगे ना पढ़ पाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर ही देखिए कि यदि हमारे पास पास्पर्धि रूप आता है तो ये हमें प्रकरण के अनुसार हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर लोट लकार का रूप है, यदि हम पद परिचय इसका चाहें या व्याकरण संबंधी टिप्पणी देखना चाहें तो हमें ये पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर लोट लकार अर्थ है या कि लट लकार अर्थ है। तो यदि लोट लकार अर्थ है तो हम इसको सी और से को ही करके और ह को ध करने के बाद जो ये रूप बनता है, और जब हम लोट लकार नहीं लट लकार का प्रयोग करते हैं तो तब तो हमारे पास ती करना उसमें प्रथम पुरुष एकवचन में तिप करने के बाद भी यही वाला रूप यंग लुक करने के बाद बनता है। तो मित्रों देखिए कि जो प्रत्यय हैं वो एक से अनेक धातु में बना देते हैं, इसीलिए संस्कृत का जो विश्वकोश कहा जाता है, शब्द भंडार कैसे अधिक है। देखिए एक ही शब्द, एक ही धातु है, वो एक अर्थ दे रही है, लेकिन प्रत्यय लग जाने के बाद वो एक के अनेक अर्थ हमें प्रदान करती है। और साहित्य में हम साहित्य में सौंदर्य लाने के लिए, साहित्य को जनता को और लोगों को उसमें रुचि प्राप्त कराने के लिए हम उसमें नए नए शब्दों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारी जो भाषा है और हमारा जो साहित्य है वो अधिक लोकप्रिय होता है। तो इस प्रकार से आपके सामने यंग लुक प्रकरण पर चर्चा की। आगे आने वाले वक्तव्यों में भी आपके सामने अन्य प्रत्ययों पर चर्चा की जाएगी। तो अब ये आप प्रश्न कर सकते हैं कि यदि अंग्रेजी भाषा में टू बाय फॉर से काम चलता है और हिंदी में के द्वारा या अच्छे से खाना, बार बार खाना, इस प्रकार का प्रयोग होता है, तो संस्कृत में इस प्रकार का प्रयोग क्यों नहीं होता। तो इसका उत्तर मैंने अब आपके सामने प्रस्तुत किया कि किस तरह से एक ही धातु अनेक अर्थ एक छोटे से अंश को जोड़ देने पर यदि दे देती है तो इतने बड़े बड़े महावाक्यों का प्रयोग करने के का कोई प्रयोजन नहीं बनता, उससे भाषा में जो सुंदरता आती है वो इसका एक और जो है एडिशनल पॉइंट है कि हम प्रत्यय लगाकर भाषा को और अधिक सुंदर बना सकते हैं। धन्यवाद।